आज हम बना रहे हैं मल्टीग्रेन चीला। इसके लिए हमने 1/4 कटोरी राइस, 2 स्पून अरहर की दाल, 2 स्पून मूंग की दाल, 2 स्पून मूंग साबुत दाल और 2 स्पून चना की दाल ली है। इन दालों को सबको हमने यहाँ मिक्स कर लिया है चावल के साथ। अब हम इसको अच्छी तरह 2-3 बार पानी से धो के 7-8 घंटे के लिए भिगो देंगे। जैसे हम रात को इसको भिगो देंगे तो मॉर्निंग में हम इसको ग्राइंड करके इसके बना सकते हैं चीला। और अगर आपको थोड़ा जल्दी इसके लिए डोसा ये चाहिए बैटर, तो आप इसको गर्म पानी में 3-4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये हमने दाल चावल अच्छी तरह 3-4 बार पानी से मल कर धो लिया है और अब हम इसको भिगो के रख देंगे 7-8 घंटे के लिए। ये हमारे दाल चावल अच्छी तरह भीग चुके हैं। इसको हम अब मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। पानी हमने उतना ही डालना है जितनी इसमें रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और इसके लिए ये 1/2 इंच हमने अदरक का टुकड़ा, 1 ग्रीन चिली और 1/2 स्पून सौंफ ली है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा बैटर अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उधर हमने अपना तवा भी गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इस तरह से फैला लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम सेक लेंगे और हल्का हल्का इधर घी लगा लेंगे। ये अब हमारा थोड़ा सिक चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये हमारा चीला सिक चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको उतार लेंगे और सर्व करेंगे। इसके अंदर हम चाहें तो ये पनीर की इस तरह नमक में चैट करके पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं। पनीर की स्टफिंग और धनिये की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको केचप या दही किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। इसको आप ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर कभी भी बना के खा सकते हैं। आप इसको बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।